ये हम लोग जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, और हम लोग सुबह सुबह एकदम 5:30 बजे निकल गए थे, और सुबह ना ठंडा भी काफ़ी था, तो एकदम अच्छे से पहन ओढ़ के निकले थे कि ठंडा ना लगे। और रास्ता मस्त था, तो सुबह अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, बस नींद हमारी थोड़ी ख़राब हो गई थी। और इसके बाद जब हम पहुँचे ना, तो ये है एंट्रेंस। यहाँ पे ना मोदी जी ने विज़िट किया था इसी मंथ में, तो उनकी फ़ोटो वोटो यहाँ पे लगी हुई थी पूरा। अब चलते हैं अंदर। लड्डू, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में हमारी स्वीट सी। हेलो, आहा, ओ लो लो लो, ओ लो लो लो, इसमें डिग्गी में से बैग निकाल दो, ये रख दो अंदर। अच्छा, अब ये इसके पीछे पड़ेगा। टकड़ो को लाई, टकड़ो को लाई, टकड़ो को लाई। ना 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 ना, जो करो। एकदम सही टाइम पर हम पहुंच गए हैं 6 बजे यहाँ पे। सुबह जल्दी जाने का रीज़न ये था कि हाथी की जो सवारी है ना, वो सिर्फ सुबह सुबह ही होती है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निकले थे। मतलब 6:30 तक ही होती है बस वो, और बहुत सारे लोग आ रखे थे। यहाँ साइड में ना मोदी जी का एक प्रॉप लगा हुआ था, वहाँ सुंदर सा लिखा हुआ था आई लव नॉर्थ ईस्ट, तो सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, हमने भी खिंचवा ली फ़ोटो। उसके बाद एक पॉइंट बना रखा था जहाँ पे सारे एलिफेंट्स थे, वहाँ तक हम लोग को थोड़ा पहिया पहिया चल के जाना था। वो वहाँ से हमें हाथी उठाएंगे, पूरा जंगल घुमाएंगे 1.5 घंटा, तो हम लोग भी जा रहे हैं। चीज को क्या म्याऊं म्याऊं करता रहता है, दिल डरा रहा है। लला, दस एलिफेंट, वाह, जे 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 जे, गणपति जी लग रहे हैं क्या उसको ये, जे 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 जे, गणपति जी की जय करता है ना सुबह घर में देख देख के, तो अभी भी शायद इसको वही लगा थे। कितने सारे गल्लू हैं ये वो गा रहा है भजन, हे भैया भजन कीर्तन हो गया, मैं लला के भजन कीर्तन चालू होगा। ये है वो पॉइंट जहाँ पे ना एलिफेंट्स आते हैं और जिनको घुमा के लाए उनको ड्रॉप करते हैं, और जिनको ले जाना है उनको पिक करके यहाँ से ले जाते हैं। तो ये बीच में ना थोड़ा सा ऊंचा सा बना रखा है ताकि जिनको जो बैठते हैं और उतरते हैं ना उनको थोड़ी आसानी हो। तो ये आप देख रहे हो ना, ये लोग हमसे पहले आए हुए और सुबह अर्ली मॉर्निंग आए होंगे, तो सोचो कितनी जल्दी आए होंगे। उन लोगों की बारी थी, वो लोग घूम घूम कर आए थे, उसके बाद हमारा वाला एलिफेंट आया, उस पर हम लोग बैठे। तो एलिफेंट ऑलरेडी हमने बुक किया हुआ था, बिना बुकिंग के आते तो शायद हमें मिलता नहीं, क्योंकि जो कम रहते हैं एलिफेंट्स भी कम रहते हैं, और टाइमिंग भी इनका सुबह सुबह का ही है, पूरे दिन का नहीं होता है। तो ऑलरेडी हम बुकिंग करके आए थे, तो थोड़ा सा आसान हो गया था। जैसे ही उसमें बैठे ना, पूरा बॉडी हिले जा रहा था, क्योंकि हाथी हिलता है। पहले शुरू में तो वेदांत आराम से बैठा था, पर बाद में ना थोड़ा सा क्रैंक ही होने लग गया। उसको दूध भी पीना है, उसको सोना भी है, तो थोड़ा सा गोद में लेगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी आए थे हम लोग, और थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम था तो अच्छा लग रहा था। और हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई एनिमल दिखे, तो ज़्यादा एज सच एलिफेंट वाली सवारी में तो हमें कुछ एनिमल दिखाई नहीं दिए, बट हाँ राइनो दिखाई दिए, और हमें जंगली जो फेलोज होती हैं वो दिखाई दी, और कुछ एक दो बर्ड्स दिखाई दिए। बट सुंदर लग रहा था दूर दूर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। हाथी चल रहे हैं, सब लोग बैठे हैं उसमें, और ये सब अच्छा लग रहा था देखने में। पीछे पहाड़ वहाड़ है, तो ऐसे तो मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि पहली बार, मैं तो पहली बार हाथी पे बैठी थी। उसके बाद हम लोग आए, और फिर यहाँ हमने केले वेले भी बेच रहे थे कुछ लोग, अगर जिसको हाथी को खिलाना है, हमने भी खरीदे, और शांति और वेदांत केले खिला रहे थे हाथी को। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो थोड़ा सा दूरी बना के रख रही थी, बट शांति थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए थे उनके साथ, क्योंकि वो फ्रेंडली ही थे, मार नहीं रहे थे किसी को। ये बहुत मजा आया मेरे को, तो दिखा ज्यादा कुछ नहीं वहाँ पे, सिर्फ राइनो, डियर, बफेलो जंगली वाली, और मंकीज तो ऑलवेज देयर। अब बस ये हो गया, यहाँ पे लास्ट ही होता है, सुबह सुबह ही होती है ये। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट वापस, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर हम जाएंगे जीप सफारी, जीप सफारी के लिए। नहीं नहीं, हम गए नहीं, हम लोग ना शेयरिंग में जीप ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गई है, तब हम होटल नहीं गए हैं फिलहाल। हम लोगों ने सोचा हम सफारी करके फिर वापस जाएंगे, होटल वाला बहुत चार्जेस ले रहा था और शेयरिंग में कोई मिल नहीं रहा था, तभी हमारा आधे में काम हो जाएगा। तो अभी हम 8 बज रहे हैं, थोड़ी देर में हमारी सफारी है, उसके बाद हम वापस जाएंगे रिजॉर्ट। जीप सफारी से पहले हम लोगों ने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकले थे तो भूख लगाई थी। और उसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी गाड़ी के पास, जो जीप के पास, जो हमें ले जाने वाली थी जंगल की तरफ। तो ये रही वो जीप, सुंदर सी, सबसे अच्छी वाली जीप थी ये, पता है, एकदम नई मस्त सी, जिसमें वाइल्ड ब्यूटी लिखा हुआ था। तो इसमें मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, और
क्योंकि मैं साथ में थी, बच्चा भी था साथ में, तो जो जीप वाले भैया थे उन्होंने बोला आप लोग पीछे की तरफ बैठ जाओ, तो ये दो लोग जो आगे बैठे ना इनके साथ हमने ये शेयरिंग करी थी। अदरवाइज़ अलग से करते ना तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, हमें ठीक पड़ गया था, मतलब चार लोगों में फिर वो डिवाइड हो गया था दो दो के हिसाब से। तो ये शुरुआत हो गई थी यहाँ से और बहुत हवा चल रही थी उस टाइम तक भी। ये हम लोगों ने लगभग 8:10 या 8:30 बजे शुरू की थी जीप सफारी, बहुत हवा चल रही थी। पहले वेद यहाँ पे शांत से बैठा हुआ था, मैं यही देख रही थी वेदांत कितना साथ देगा। तो ये देखो इसको ना ऐसे खड़े होना था कि मुझे ऐसा खड़ा कर दो, मस्ती करनी है मुझे भी, आप लोग जैसे खड़े हो। तो उसने कुछ देर तो जगह रहा, खूब मस्ती करी उसने, उसको भी मज़ा आ रहा था, हवा चल रही थी ना अच्छी तो उसको अच्छा लग रहा था। फिर भैया हमें बीच बीच में गाड़ी को रोक रोक के, जीप को रोक के बताते जा रहे थे कि ये है वो है, पर पता है जहाँ से जीप एक्चुअल में निकलती है तो डेली का यही रास्ता है, डेली निकलती है, तो उतने एनिमल्स एक्चुअली पास आते नहीं है। एक गणपति दिख गया था हमें, मतलब हाथी जी, तो वही मेरा बच्चा हाथ जोड़ के जय जय फिर शुरू कर दिया था। यहाँ पे भैया बता रहे थे कि वो एक बर्ड है, वो एक इधर है, वो ये कुछ है, वो है, तो वो छुटकी मुटकी चीज़ें तो दिख रही थी। और हमारे आगे पीछे भी ना जीप थी, तो ये दो चार जीप आगे चलनी थी हमसे और दो चार जीप पीछे भी थी, तो इनका भी टाइमिंग था कि इतने बजे से इतने बजे तक, लगभग हमें 2 घंटे घुमाने वाली थी ये जीप। फिर मैं थोड़ा बैठ गई थक हार के, क्योंकि मेरे बेटे को दूध पीना था, तो माँ की तो वैसे भी हालत यही होती है, ट्रिप व्रिप तो कुछ नहीं कर पाती बेचारी, ये बस बच्चे संभालती रह जाती हैं पूरे ट्रिप में। बट पतिदेव ने काफ़ी साथ दिया और वेद सो गया था तो शांति ने उसको अपने कंधे पर ले लिया, मैं फिर आराम से थोड़ा सा फ्रीली देख पा रही थी चीज़ों को। तो एक पॉइंट आया वहाँ पे भैया ने जीप रोकी, सारी जीप वहीं रुक गई थी और ऊपर ना व्यू पॉइंट था, तो भैया ने बोला ऊपर पूरा आप देख सकते हो, ऊपर से सारा दिखाई देगा। तो कुछ लोग अपना जो भी कैमरे दूरबीन ये सब लेकर आए थे तो देख रहे थे, हमारे पास मोबाइल वाला कैमरा था तो हम उसे रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग करने लगे अपनी। और यहाँ देखने के बाद चले हम फिर से, काफिला चल दिया, वो रास्ता दिख रहा है ना वहाँ गए थे हम। तो यहाँ पे ना बीच में ना एक राइनो क्रॉस हुआ, जीप निकल रही थी, फिर वो मतलब बहुत पास से दिखा ये वाला राइनो हमने, बहुत पास से, ये सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, अगर नहीं रुकती तो वो शायद एक दो जीप तो पलटा ही देता। और ये हैं हिरन जो बहुत दूर थे हमसे, तो बहुत दूर थे, बट मैं और शांति थोड़ा सा खुश इसलिए थे कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, जो मेन मेन चीज़ें हैं यहाँ पे वो तो दिख ही गई हैं कम से कम। फिर हम लोग एक और एंड पॉइंट था वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भी मतलब सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे, तो ये आखिरी पॉइंट ही था। और बाल इतने ख़राब हो गए थे क्योंकि मिट्टी घुस गई थी, हम लोग पीछे की तरफ बैठे थे जीप में तो पूरी मिट्टी बालों में गई थी। और यहाँ पे ना ये जीप वाले भैया थे हमारे साथ, ये हमें बता रहे थे कि ये जो जंगली भैंस थी ना उसके सींग हैं, ये हाथी के दांत हैं, तो वो सब चीज़ें हमें दिखा रहे थे और बताते जा रहे थे। तो यहाँ मतलब जीप सफारी का मैं कहूँगी एक्सपीरियंस हाथी वाली सवारी से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं शायद मैं कंफर्टेबली बैठी हुई थी, एक तो बच्चे के साथ थी इस वजह से। और उसके बाद हम लोग बस निकलने लगे थे घर के लिए, तो हमें वापस ही आना था, सीधा अपना रिजॉर्ट गए थे हम लोग, उसके बाद वहाँ से अपना फ्रेशन अप हुए, सामान वामान लिया और हम निकल गए थे अपने घर के लिए। यहाँ वेदांत रो रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।